जनता दल सेक्युलर के नेता कुमार स्वामी ने सोमवार को कहा है कि हासन सीट को लेकर कुछ बदलाव अभी नहीं किया गया है। इस मामले पर 10 मई को कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनके पिता और पार्टी के मुखिया एचडी देवेगौड़ा फैसला लेंगे। दरअसल जेडीएस ने अब तक हासन निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। इसके पीछे की बड़ी वजह है वह ये कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की बहू भवानी रेवन्ना है। भवानी हासन से चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है, जो कि जेडीएस का गढ़ माना जाता है। इस मामले में कुमार स्वामी कई बार स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि भवानी की बजाय पार्टी के किसी ईमानदार कार्यकर्ता को मैदान में उतारा जाएगा। भवानी रेवन्ना पूर्व में हासन जिला पंचायत की सदस्य भी रह चुकी हैं। वह कुमार स्वामी के बड़े भाई और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना की पत्नी है। रेवन्ना के दोनों बेटों हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना और एमएलसी सूरज रेवन्ना ने भी इस मुद्दे पर अपनी मां का समर्थन किया है। अब परिवार में पड़ रही दरार के संकेत को लेकर के पूर्व प्रधानमंत्री ने रविवार शाम को अपने दोनों बेटों और बहुओं के साथ बातचीत की। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बातचीत से भी कोई हल नहीं निकल सका है। पूर्व प्रधानमंत्री उम्र संबंधी बीमारी के कारण पिछले कुछ समय से राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं है। कुमार स्वामी ने बताया कि रविवार रात को हासन सीट के संबंध में कई मुद्दों को लेकर के भी चर्चा हुई है। देवेगौड़ा आज दिल्ली गए हैं, उनके लौटने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। आगे उन्होंने ये स्पष्ट रूप से करते हुए कहा कि वह पहले भी कह चुके हैं कि कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बता दें कि कुमार स्वामी हासन जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक दिवंगत एचएस प्रकाश के बेटे एचपी स्वरूप को मैदान में उतारना चाहते हैं। इसी को लेकर वह अपने समर्थकों के साथ गांवों का दौरा करते रहे हैं। जब कुमार स्वामी से भवानी के निर्दलीय चुनाव लड़ने की खबरों के बारे में पूछा तो उन्होंने इसकी जानकारी होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता है, ये सब अफवाहें हैं और इसके बारे में उन्हीं से पूछना चाहिए। उन्होंने एक और संकेत भी दिया कि पार्टी की दूसरी सूची में हासन के उम्मीदवार की घोषणा अभी नहीं की जाएगी, जिसकी घोषणा आज शाम या फिर कल तक की जा सकती है। जेडीएस ने दिसंबर में ही 93 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची की घोषणा की थी और इस बीच हासन में पत्रकारों से बात करते हुए रेवन्ना ने कहा कि वे देवेगौड़ा जो तय करेंगे वही होगा, उन्हें 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। तो ये तो बात हो गई परिवार की और अब बात कर लेते हैं पार्टी की। कर्नाटक के चुनाव से ठीक पहले जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस को एक बड़ा झटका लगा है। मांड्या से पार्टी के पूर्व सांसद एलआर शिवराम गौड़ा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नलीन कुमार कटिल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा ज्वाइन करने के बाद शिवराम गौड़ा ने एक बड़ा बयान भी दिया। शिवराम गौड़ा ने कहा कि अगले 10 दिन के भीतर भीतर बड़ी से बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। कर्नाटक की जनता सूबे में डबल इंजन वाली सरकार चाहती है। भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ फिर से कर्नाटक में सरकार बनाएगी। वहीं एलआर शिवराम गौड़ा को इसी साल जनवरी में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जेडीएस से निष्कासित भी किया गया था। बताया जाता है कि पार्टी के नेता एचडी कुमार स्वामी ने प्रदेश अध्यक्ष को शिवराम गौड़ा को कांग्रेस पार्टी के मांडिया के पूर्व सांसद और वोकालिंगा समुदाय के वरिष्ठ नेता दिवंगत जी मेड़े गौड़ा के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए निष्कासित करने का निर्देश दिया था। कुमार स्वामी ने पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा था कि शिवराम गौड़ा को निष्कासित करने के संबंध में जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी एचडी देवेगौड़ा से अनुमति भी ली गई है। कुमार स्वामी ने यह भी कहा कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें शिवराम गौड़ा को अनावश्यक बातें बोलते हुए सुना जा सकता है। कुमार स्वामी ने आगे कहा कि वोकालिंगा समुदाय के दिवंगत मेडे गौड़ा जैसे एक कद्दावर नेता के बारे में इस तरह से बोलने वाले व्यक्ति को पार्टी में बनाए रखना सही नहीं होगा। बता दें कि देवेगौड़ा परिवार पुराने मैसूर क्षेत्र में प्रभावशाली समुदाय वोकालिंगा से ताल्लुक रखता है और इस समुदाय का जदयू जेडीएस में मजबूत वोट आधार भी माना जाता है। शिवराम गौड़ा पर निशाना साधते हुए कुमार स्वामी ने आगे कहा कि उनके बार बार इस तरह के गलत आचरण और बयानबाजी से पार्टी को शर्मिंदगी हुई है।
उन्होंने संसदीय चुनावों के दौरान करोड़ों रुपए खर्च करने का भी दावा किया था, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की हमने बात करी। ये सुनिश्चित नहीं है कि उन्होंने वह धन किसको दिया था। तो कुल मिलाकर के पार्टी से एक बड़े नेता को निष्कासित करने के बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा परिवार में भी कहीं ना कहीं दरारें देखने को मिल रही है। अब देवेगौड़ा क्या डिसीजन लेंगे, इस पर भी कहीं ना कहीं जेडीएस की उम्मीदें टिकी हुई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।